हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मेरा नाम आरन है। मैं स्वागत करता हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सम कूल स्टफ, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक और नए मोड का गेम प्ले, और ये है हार्ड पॉइंट मोड। और मैप हमने एक रैंडम सिलेक्ट किया था, तो हमारे पास आ चुका है क्रॉस फायर मैप। और इस पॉइंट को मैं भी पहली बार खेल रहा हूँ, लेकिन इसमें ये करना होता है कि हमें एक सिंगल हार्ड पॉइंट दिया होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोनों टीम्स को कोशिश करनी होती है कि वो हार्ड पॉइंट को कैप्चर कर सके। और ये लीजिए, हमारा मैच हो चुका है इसी के साथ शुरू। और हमें तो गन सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, और हमारा गेम बहुत लैग हुआ क्योंकि प्री मैच और कुछ भी लोडिंग वगैरह नहीं हुई, सीधा इन्होंने मैच में डाल दिया। बट कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं सीधा हार्ड पॉइंट की तरफ। हार्ड पॉइंट इस बिल्डिंग के अंदर है आई थिंक, देखते हैं कहाँ पे है हार्ड पॉइंट। ओके, फर्स्ट फ्लोर पर है हार्ड पॉइंट, हमें जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर जाना होगा यहाँ से, और जल्दी से इनके बंदों को ठिकाने लगाना होगा। ये लीजिए, हमने एक बंदे को तो मार दिया है, और इनके दो बंदे यहाँ पे थे। हमारे टीममेट्स पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे कोई भी टीममेट नहीं है हमारा आसपास। इन लोगों को पता नहीं कैप्चर करना भी है कि नहीं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। ओके, जो नया हार्ड पॉइंट आ चुका है हमारे पास, हमें मेरे पास अभी एक नया वो भी आ रखा है कि कटाना पावर अप, और उसके लिए मुझे मिशन दिया गया है कि मेरे को हार्ड पॉइंट को 10 टाइम्स कैप्चर करना है। तो देखते हैं कि हम 10 टाइम्स कर पाते हैं कि नहीं, अभी तो हमने एक बार भी नहीं किया है। और हो अगर ये जल्दी जल्दी हुआ तो फिर मैं आपको सारे करते हुए एक ही वीडियो में डाल दूंगा। और ये देखिए, एकदम से एनिमीज की बारिश हो चुकी है हमारे ऊपर, जैसे एकदम से इतने लोग आ गए। और ये लीजिए, इसको भी हमने किल कर दिया। हम इसी लोकेशन पर रहते हैं क्योंकि जो भी आएगा वो इसी दरवाजे से आने वाला है। जल्दी से रिलोडिंग कर लेते हैं, और हम अपने दरवाजे पर ये बॉम्ब भी लगा देते हैं यहाँ पर। वैसे तो 11 सेकेंड ही बचे हैं, बट स्टिल सिक्योरिटी चाहिए हमें। और अब यहाँ पर वेट करते हैं, जो भी आएगा यहीं से आएगा और कहीं से एंटर नहीं हो सकता। और अगर बाहर से वो हमें मार भी देगा तो उसका क्या फायदा, वो तो आ ही नहीं पाएगा। और ये लीजिए, हार्ड पॉइंट हमारा एक हो चुका है, अब हमें 9 मोर चाहिए। ये लीजिए, हमने टारगेट को मार दिया है, हमें पीठ पीछे से मार रहा था वो, और वो लोग सारे वहीं स्पॉन हो रहे हैं। मेरे को जल्दी से अपने हार्ड पॉइंट की तरफ जाना होगा। हार्ड पॉइंट को रेड टीम ने कैप्चर कर लिया, यानी कि हमारी ओपोनेंट टीम ने, हमें जल्दी से भागना होगा दोस्तों। और मैं अपना ये रिकॉर्डिंग वाला बटन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इससे मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये लीजिए, हम अपने शौक आरसी को भेज देते हैं आगे, और शौक आरसी ने दो बंदों को पकड़ रखा है। मेरे को जल्दी से एक को मारना होगा। हमने दो बंदों को किल किया, लेकिन अब सिर्फ 16 सेकंड बचे हैं, हमें जल्दी जाना होगा। इन्होंने पता नहीं क्यों मेरे को इतना दूर स्पॉन कर दिया है हमारे हार्ड पॉइंट से। ये तो बहुत ही चीटिंग हो गई, क्योंकि दूसरी टीम तो बिल्कुल वहीं पे स्पॉन हुई थी। ये गलत चीज़ हो रही है हमारे साथ, हमें जल्दी से जाना होगा अपने। ओह नो, हार्ड पॉइंट जा चुका है। ये लीजिए, हमने इस बंदे को तो फिर भी किल कर ही दिया, बट कोई फायदा नहीं हुआ। इनकी पूरी टीम यहीं पे बैठी है, और हमने चार तीन बंदों को एक साथ किल कर दिया, चौथे बंदे ने हमें मार दिया। और अब और इसमें हमें साथ ही साथ देखिए 150 किल्स का टारगेट भी होता है, और हमने किया है सिर्फ 64, हमारे ओपोनेंट्स का है 50। ये पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेरी चार्जिंग लो है मेरे फ़ोन की। ये देखिए ना, मेरे पास अच्छे से वॉइस आ रही है, क्या पता आपके पास भी मेरी वॉइस कट हुई हो, बट प्लीज़ आप कॉपरेट कीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, मेरा गेम बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, हमने लीड ले ली है। ये देखिए, हम कितना पीछे थे, हम 20 पॉइंट्स के किल्स के करीब पीछे थे, लेकिन हमने उसको बना लिया है, और हम गलत जगह आ गए। हमें जल्दी से जाना होगा और हार्ड पॉइंट को कैप्चर करना होगा। ये लीजिए, हमने अपनी गन का इस्तेमाल करके मार दिया इन लोगों को। चलिए हम देखते हैं अपना हार्ड पॉइंट कहाँ पर है, और इन लोगों को मार मार के आते हैं। इतनी दूर शायद हमारा प्योरीफायर नहीं जा पाएगा। ये लीजिए, इन दोनों को तो हमने यूं ही मार दिया पास जाकर, लेकिन इनके चॉपर ने हमें मार दिया है, जो कि बहुत ही गलत हुआ।
चलिए हम यूएवी को एनेबल कर देते हैं। वो देखिए उनका चॉपर, गोलियां तो इसके चॉपर का ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसीलिए हमें छुप के ही रहना होगा इन बिल्डिंगों के नीचे, क्योंकि बिल्डिंगों के नीचे वो शायद हमला ना कर पाए। वहाँ पे एक बंदा जा रहा है, ओह नो, हमें उस बंदे को जल्दी से मारना होगा। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, जल्दी से इधर जाते हैं अपने हार्ड पॉइंट की तरफ। ये लीजिए, हमने एक और हार्ड पॉइंट कैप्चर कर लिया है और इस बंदे ने हमें मार दिया। पता नहीं क्यों मेरा गेम इतना लैग हो रहा है, मैं तो खेल ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। बट मेरे को सामने बंदे नज़र आ रहे हैं, देखते हैं कहाँ चले गए वो लोग। मुझे खेलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ओके, हार्ड पॉइंट यहीं हमारे सामने है, फर्स्ट फ्लोर पर। एक बार फिर जल्दी से हम चलते हैं इस फर्स्ट फ्लोर पर, और वहाँ पर बहुत लोग हैं तो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। मैं रीलोडिंग करता हूँ सबसे पहले तो। ओके, हमारे टीममेट्स आ चुके हैं। मेरा गेम इतना लैग हो रहा है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मेरे सामने जो आ रहा है मैं बस मारे जा रहा हूँ। ओह नो, स्नाइपर ने अपनी पिस्टल निकाल कर मुझे मार दिया, लेकिन मेरे टीममेट्स कुछ वहाँ पर हैं, तो मेरे को लगता है ये हार्ड पॉइंट हम ले लेंगे। और मेरा गेम बहुत ही ज़्यादा लैग होता हुआ आप लोग देख सकते हैं। और हार्ड पॉइंट उस तरफ है जो कि हमारे टीममेट्स ने ले रखा है, तो जल्दी से हम चलते हैं अपने हार्ड पॉइंट की तरफ, क्योंकि वो ही है जो मैटर करता है। और इसी के साथ हम ये मैच जीत चुके हैं 150-120 से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है। और देख लीजिए आप लोग फाइनल किल कैम, और ये देखिए ये किल हो रहा है हमारे टीममेट के द्वारा, हमारे किल टीममेट ने इसको किल कर दिया, और इसी के साथ ये मैच ख़त्म होता है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।